हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है, सिमक ज्ञान में। आज मैं आपके लिए कुछ नया क्रिएटिव लेके आई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कलीरे कैसे बनाते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि किस तरह का कलीरा मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये रहा हमारा कलीरे का डिज़ाइन जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है और ये पहनने के बाद कैसा लगेगा, जरूर दिखाती हूँ बना के। तो आप देखिए इसकी आवाज़ भी बेहतरीन है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। तो मैं आपको ही सिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं इसे आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे थोड़ा पास से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हमें अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चाहिए घुंघरू। तो ये हमारे घुंघरू हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए लीव्स, जिन लीव्स का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये भी हमारी लीव्स। उसके बाद हमें चाहिए जो हम घुंघरू का हेड यूज करेंगे, ये रहे हमारे घुंघरू के कैप्स। अब हेड बोले कैप्स बोले बात एक ही है। और उसके बाद हमने इस वाली जरकन पर्ल का यूज किया है, ठीक है। हमें एक ही चाहिए तो मैंने एक ही दिखाया आपको। और उसके बाद हमें चाहिए ये चेन, इस चेन का हमने यूज़ किया। इसको मैंने साइज़ में काट रखा है, एक लाइन में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15 मोती हैं, तो एक लाइन में हमें 15 मोती रखने हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हमें चाहिए ये कुछ मोती, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए कैप, जिससे हम कलीरा बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए जंप रिंग, उसके बाद हमें चाहिए जो हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे हम कलीरा बनाएंगे, ठीक है। होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्लायर हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो सबसे लॉन्ग चेन है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। सबसे लॉन्ग वाली चेन हमारी ये है, तो इसको हम मेज़र कर लेंगे ये, ठीक है। मैंने सबको मिक्स कर दिया, मैं इसको लाइन से आपको लगा के दिखा देती हूँ, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि सबसे लॉन्ग चेन कौन सी है। तो हमारी सबसे लॉन्ग चेन है ये वाली, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट कर दें, उसके बाद हमें क्या करना है, ओ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई पिंस हमारी रही गई। तो ये हमारी आई पिंस है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप कहेंगे कैसे, तो कैसे क्या, तो इसे हम करेंगे ओपन, इसमें हम लगाएंगे इस लॉन्ग चेन को, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये इसको पहले बंद कर देंगे, इसमें हमारे पास जो छोटी वाली जंप रिंग है इसमें ये भी छोटी छोटी जंप रिंग, तो इन छोटी छोटी जंप रिंग को हम ले लेंगे, इसको हम इसमें अटैच करेंगे, हम ये इस प्लायर की मदद से इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी जंप रिंग लेंगे, फिर हमारी चेन ये, इस चेन को इसमें डालेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया, देख सकते हैं आप।
उसके बाद हमें इसका यूज़ करना है, जरकन वाला मोती है उसे हमें इसमें डाल देना है। ठीक है, तो जरकन मोती इसमें डालने के बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा लंबा है तो इसे हम कट कर देंगे। फिर जैसे मैंने इसको सिखाया है हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी जंप रिंग ऐड कर देंगे ताकि हम इसे बैंगल में अटैच कर सकें। ठीक है, अभी हमारी इसमें लग चुकी है, तो हमें क्या करना है, अब जंपरिंग में हम इसे डालेंगे, फिर ये लीव्स को डालेंगे और फिर उसके बाद ये वाला मोती डालेंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, तो ये हम इसमें अटैच कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा लीव्स और पॉल के साथ रेडी हो गया। फिर हम इसको दोबारा यही करेंगे। मैंने आपको पहले बताया मैं अपने काम हाथ से ही कर लेती हूँ, मतलब प्लायर का इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो आप प्लायर का यूज़ कीजिएगा। तो इसको हम ऐसे ही एक एक ब्लॉक छोड़ के सब में अटैच करते जाएंगे। ठीक है, छोड़ते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे, तो मैं आपको पूरा अटैच करके दिखाती हूँ। तो मैंने इन सबको इसमें अटैच कर लिया है, आप इसे देख सकते हैं इन सबको। और फिर अगला स्टेप हमारा ये है, मैंने इसको ऑलरेडी जोड़ने वाली थी तो मैंने इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको क्या करना है। हमें ये चेन लेनी है, इस चेन के अंदर हमें ये छोटी वाली मोतियाँ डालनी है, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, थोड़ा पास से दिखा देती हूँ मैं, ये हमने इसमें मोतियाँ डाल दी हैं छोटे वाले। उसके बाद हमें जो हमने यहाँ सेंटर में स्पेस छोड़ा था उस स्पेस के बीच में इसे हमें अटैच कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों के बीच में अटैच हो जाएगा ऐसे करके। अब इसके बाद हमने इतना इसको रेडी कर लिया है, रेडी करूंगी ये घुंघरू के साथ इसको लगा। ठीक है, तो अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें चाहिए घुंघरू और हमें चाहिए ये हेड कवर। तो अब मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो आई पिन है आई पिन को ओपन करना है। आई पिन को ओपन करने के बाद हमें घुंघरू को इसमें अटैच करना है। इसको अटैच करने के बाद फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर जो ये हमारी ये पर्ल कैप है, पर्ल कैप को हम इसे घुंघरू के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, फिर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी इसके ऊपर वायर रखेंगे। तो हमें फोल्ड करने के लिए वायर की ज़रूरत है सिर्फ, तो इसको मैं कट कर लूँगी। मैंने इसे कट कर लिया, अब जो ये हमने इसे कट किया हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसी से हेड पिन बनाएंगे, तो जो हमारे अगले घुंघरू कैप में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हमेशा की तरह फोल्ड कर देंगे सफाई से। इसे हमने फोल्ड कर दिया, ये हमारा फोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 7 पीस रेडी करने हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके 7 पीस रेडी करने वाली। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी ये एक्स्ट्रा आई पिन की बच गई है पिन, अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे आई पिन बनाना है। तो हम इसे हमेशा की तरह ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद
हम इसे बैक साइड पे फोल्ड करेंगे। बैक साइड पे हमने इसे फोल्ड कर लिया तो ये हमारी बन गई आई पिन। ठीक है, तो ये हमारी आई पिन, हमारी आई पिन रेडी होने के बाद हम इसका यूज़ वैसे ही करेंगे जैसे हमने घुंघरू अटैच किया था। तो इसको भी हम इसमें अटैच करेंगे। ये हमारा घुंघरू है, इसको हमने ऐसे कर दिया और फिर हम इसकी पर्ल कैप को अटैच कर देंगे। तो मैं आपको ऐसे सात पीस रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इतना स्टेप कंप्लीट हो गया, ये लगा के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको दूसरा पीस दिखाती हूँ। दूसरे पीस में अब क्या चीज़ रह गई है, तो हमने इसे अटैच कर लिया है, तो अब हमें इसे अटैच करना है। ठीक है, तो मैं इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। इसमें अब हम इसको अटैच करेंगे, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ। तो अब हम इसमें अटैच करते हैं। तो अब हमने इसको घुंघरू और लीव्स को अटैच कर लिया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी घुंघरू और लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ये पर्ल कैप ले रखी थी, सबसे पहले इस पर्ल कैप को इसकी लीव्स को ऐसे फैलाना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने, मैं आपको दिखा देती हूँ हमने इसमें क्या किया है। मैंने इसके सेंटर में घुंघरू अटैच किया, तो ऐसे ही आपको ये देख सकते हैं, सॉरी मैंने दिखाना भूल गई, ये ऐसे हमने इसमें घुंघरू अटैच किया। तो मैं आपको ये अटैच करेंगे। ये हमारा घुंघरू है, इसमें घुंघरू अटैच करके फिर जो हमने इसको पर्ल कैप को फैलाया था उसको हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारी जो ये हमने रेडी किया है इस कैप को हम इसमें अटैच करेंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पिन है, उसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पिन हमने कट कर दी, उसके बाद हम इसमें इसे हमेशा की तरह फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, फिर हमारी जो इसकी सेंटर वाली चेन है, ये इसकी सेंटर वाली चेन को लेके हम इसको इसमें अटैच करेंगे। अटैच करके इसे बंद कर देंगे, तो ये हमारा कलीरा रेडी हो गया। हमें इसके आखिरी स्टेप में कुछ भी नहीं करना, तो ये हमारे दोनों कलीरे रेडी। ठीक है, दोनों कलीरे हमारे रेडी। आप चाहें तो मैंने ये बैंगल ये पहन रखा है कड़ा, तो मैं आपको इसमें अटैच करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे कड़े में भी अटैच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, फिर हमने इसमें घुंघरू अटैच किया। तो ये सिंपल सा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, इसे आराम से कैरी भी
कैरी कर सकते हैं बैंगल्स में, और ये इसके टूटने का भी डर नहीं है। अब ऐसे ब्राइडल्स तो होती हैं, इसको बजाती हैं तो ये टूटता है, अब ज़्यादा बजाएंगे तो ये उलझेगा और टूट जाएगा। तो ये सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो इसे मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। सिंपल सा है और कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल आइडियाज़ के साथ है, कुछ मज़ेदार स्टाइल के साथ। तो आप मेरे इस चैनल को में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें मैं कुछ और क्या कर सकती हूँ या फिर कुछ अटैच कर सकती हूँ। अगर आप इसके ऊपर की बैंगल सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी बैंगल भी सिखाऊँगी जो कि कुंदन की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बैंगल लेके आऊँगी, इसकी बैंगल कैसे बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैंगल की डिज़ाइन के साथ। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।